कोरोना के चलते राजधानी में एक लंबे समय तक स्कूल और कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब राजधानी में कोरोना के मामले घट रहे हैं तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूल समेत सभी कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं, जिसके तहत देश में यूपीएससी की कोचिंग का मक्का कहा जाने वाला मुखर्जी नगर एक बार फिर से छात्रों से गुलजार होने के लिए तैयार है। तो फिलहाल डेढ़ साल का टाइम बीत चुका है और डेढ़ साल तक ये तमाम इंस्टीट्यूट्स थे बंद थे, अब डेढ़ साल के बाद फिर से इंस्टीट्यूट्स खुलने शुरू हो गए हैं। अब छात्र फिर से यहाँ पर आएंगे और हो सकता है पहले जैसा माहौल दोबारा से देखने को मिले। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, डेढ़ साल में ऑनलाइन क्लासेस हुई, डेढ़ साल के बाद जो है फिर से दोबारा से वैसी क्लासेस शुरू करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये डेढ़ साल का जो अंतराल रहा इसे आप कैसे भरेंगे और इस बार कैसी क्वेरीज आ रही है? अभी डेढ़ सालों में काफी स्टूडेंट के लिए भी और कोचिंग संस्थानों के लिए भी काफी स्ट्रगलिंग का समय रहा है। कोचिंग संस्थानों के लिए इस तरीके से कि मार्च 2020 से लेकर के और अभी तक कोचिंगें बंद रहीं, जिसमें स्टूडेंट को भी सफर करना पड़ा क्योंकि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक यूपीएससी से लेकर कई अन्य स्टेट के राज्यों के एग्जाम भी हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई जिस तरीके की प्रिपरेशन ऑफलाइन क्लासेज में होती है। पहली समस्या ये रही। दूसरी समस्या ये रही कि जैसे मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग की क्लासेज होती हैं ऑफलाइन में, टीचर से क्वेरी होती है, वो सारी चीजें ऑनलाइन में करने को नहीं मिली, जिससे स्टूडेंट को काफी अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब नए छात्र आपके आएंगे तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस आपने तय करी है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आप लोग एंट्री नहीं देंगे, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से आप लोगों ने तय करी? सरकार की तरफ से अभी कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने का कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। अगर ऐसी गाइडलाइन आती है तो हम जरूर इसको पूरा करेंगे। बाकी सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी जो हॉल है हमारा उसका 50% बैठाने का जो एक नियम बनाया गया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, साथ ही सैनिटाइजेशन का और जो भी जरूरतें हैं उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। बाकी वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती है तो उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। यानी करीब 18 महीने के बाद कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों को खोला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बावजूद मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने वाले छात्र ऑफलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ आना पसंद करेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब देते हुए जीएस वर्ल्ड के डायरेक्टर दिव्यसेन ने क्या कहा वो सुनिए। अब हम लोग जल्द से जल्द अपने नए नए बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो डेढ़ साल पहले कोरोना के पहले जो क्राउड था वो अभी क्राउड मुखर्जी नगर में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि थर्ड वेव की जो चिंताएं लोगों के दिमागों में अभी बनी हुई हैं, अभी गार्जियन भी काफी डरे हुए हैं क्योंकि क्वेरी जो आ रही है गार्जियन का यही कहना है कि सर क्या थर्ड वेव आने की उम्मीद है, गार्जियन की तरफ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनको ये डर है कि हमारा बेटा हमारा बच्चा हमारी बेटी जाएगी तो ऐसा ना हो कि फिर पहले और दूसरे लहर की तरह उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो अभी गार्जियन डरा हुआ है इसलिए उस तरीके का क्राउड आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो वहीं बीते 18 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों का कोचिंग खुलने को लेकर क्या कहना है वो सुनिए। सर ऑफलाइन से क्योंकि जैसे समझने की कैपेसिटी जो होती है वो अच्छे से आता है और जैसे हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम उसको सर से ऑफलाइन में जब सामने से पूछेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है ऑनलाइन में हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती हम उसको रिटर्न पूछ नहीं सकते, या फिर मैसेज करते हैं मैसेज में उतना ध्यान नहीं देंगे सर, बात ये रहती है। और ऑफलाइन जो है हमें जैसे किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहेगा हम वहाँ तुरंत पूछ लेंगे और सर उसको क्लियर कर देंगे। सर मतलब ऑफलाइन से बच्चे मतलब टीचर से सीधा जुड़े रहते हैं और उसके बाद ऑफलाइन मतलब कोई जैसे डाउट होता है तो मतलब पूछ लेते हैं टीचर से, और ऑनलाइन मतलब दिक्कत होती है थोड़ी सी। मुखर्जी नगर में पढ़ाई के दौरान छात्रों को सबसे ज्यादा जद्दोजहद रहने के लिए करनी पड़ती है, जिसे लेकर छात्रों के आने की खबर के बाद किराए पर मकान देने वाले लोगों ने घरों की साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। तो अभी आशंका हुई है कि एक तरह से सब कुछ खुल रहा है तो कुछ अच्छा ही महसूस होगा। तो डेढ़ साल से कोई बच्चा यहाँ पर रहते नहीं? डेढ़ साल से कोई बच्चा नहीं है। सब नुकसान में? आप लोग नुकसान ही है। तो अब ऐसे में जब दोबारा से शुरुआत होगी दोबारा से बच्चे आएंगे, सारे आपने कमरे भी रेडी कर दिए आप बता रहे हैं, तो किराया वही रहेगा पहले वाला या थोड़ा सा अंतर किया है? देखते हैं एक बार सब कुछ अच्छा रहा ठीक रहा तो किराया बढ़ा देंगे, नहीं तो पहले वाला रेंट से एक बार तो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी शुरुआत 2018 में था उसी से स्टार्ट? हाँ वहीं से स्टार्ट होगा एक बार। अच्छा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किराया बढ़ाने कुछ माहौल अच्छा रहा लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा तो रेंट भी बढ़ेगा।
जैसे ही ओनर हमारे बिल्डिंग का रेंट बढ़ाएंगे हम भी बच्चों का बढ़ा देंगे। यानी छात्रों के आने की आहट के बाद मुखर्जी नगर की रौनक तो लौटना तय है। जाहिर सी बात है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी आसान नहीं होती और कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई की सिरदर्दी से कोचिंग संस्थान खुलने के इस फैसले से छात्रों के चेहरे पर रौनक जरूर देखी जा रही है, लेकिन इस दौरान कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों पर कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली तक की आप सबसे अपील है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन जरूर करें। मुखर्जी नगर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, दिल्ली तक।